दोस्तों मेरा हमेशा का यार अभगो मंगल लो कौती क्यों कौती का नहीं भी हाँ मणि ये आ रहे मन खाना बच्चे हैं खेलना है रानी गप साफ है की बैर जीतू तस्के तो खुश खुश पार्टी है वेल काटी लो जी उछल दिया लियो चलो पापा का नाम बताओ देबुली शर्मा मत जैसे घर में खाते उसे खाओ खा आप खुल बैठे बैठे मन खाओगा हाँ जा चाह रहे हो तब बटे कहाँ देखी थी कहाँ देखी नाम के साक्षी क्लास फोर लोडे नवला कितने बजे चार नाम क्या है नवराज यार छेद चल यहाँ से साल पट्टा इज्जत न करें यार मेरी यो हाँ यो कदो कमजोर है क्यों शिवो साव भाई यो मेरे जहर लाई यो वो इस इल्ले ना बाम रे जाट जाली माँ जाली माँ बाटे मैं हर देवी नालो गुड मॉर्निंग यार दोस्तों नितिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं ब्लॉग के साथ पहाड़ पर खिल चुके शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद धूप और शौच का महीना शुरू हो चुका है भाई और दुकान की जो दो टेबल थी वो हम घर पे ला चुके हैं ये मेरी बनेगी स्टडी टेबल बाकी इसका कुछ और यूज करेंगे और इस बीच यार काम की ऐसी अस्त व्यस्तता बहुत है मेरे जीवन की लड़ पड़ी मेरे बाकी कुछ दिनों बाद शादी का सीजन आने वाला है हमारा भी कुछ टूर बनने वाला है और बहुत धमाकेदार चीज आप सभी के बीच में निकल के आने वाली है तो मिलते हैं थोड़ी बात तब तक बने रहिए बाय बाय टेक केयर चलो चलते हैं हस्सी कर दो आप हस्सी तो यार दोस्तों बलतीर क्षेत्र का सबसे लेस्ट घूम रहे लास्ट धान चुटाई ये अरे गुड यार डबदा डबदा पहली बात तो ये शिक्षा मित्र है उसके बाद एक अच्छे कृषक हैं और एक अपने आप में एग्जांपल है यार बहुत बड़ा ना मतलब ताश्याल होना चाहिए ना यार नहीं तो छी ऐसी चीज है बाप रे कमर चौथा जलेगा ब्याह नहीं हुए ये पंत नगर से आया हुआ धान है और सबसे पहले कृषक है जो बलतीर में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसमें जो आपका ये है ना पराल ये कम होगा और फसल ज्यादा होगी अब ये मतलब एक किलो धान बोने के बाद इतना धान हुआ है यार सच मानने वाली बात है आंख ने लगाया मैं तस्सा हांजी बोल काटो बलतीर में सिर्फ तीन ही किसान है इसको बोने वाले कविंद्र नेवे जी श्रीमान नवराज सिंह बैसोड़ा जी और श्रीमान देवराज सिंह बैसोड़ा जी ये नजर जन लगाया जो ले चामसा नहीं 10 बार गए मैं तो नजर लगा के बाकी ये परिवार काफी खुश है यार और होगा क्यों नहीं यार एक किलो धान में इतनी खेती कर दी इन्होंने एक किलो में 2.5 क्विंटल एक किलो धान के बीच में 2.5 क्विंटल कितने का था धान 1 किलो 350 रुपए में 2.5 क्विंटल अनाज सच मानोगे बलतीर के खेतों में और लाइव एग्जाम्पल है देखो क्योंकि मैंने भी लिया था ये वाला बीज दोस्तों आज हमारे गांव पे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और हमारी कुछ कार्यकर्ती बहनें हैं और गांव की कुछ चाचियां हैं जो कि बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती हैं और ये आरएसएस का ही एक शाखा है तो उसके तहत यहां पे संकुलों में विद्यालय बनाए गए हालांकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा वो हमेशा से आरएसएस वाला रहा क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर थल सरस्वती विद्या मंदिर थल से पढ़ा हुआ हूँ जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है प्रणाम एक्सी भूतपुरी तो जो गांव की लाइफ स्टाइल है वास्तव में बहुत सुंदर है मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं गांव में रहता हूँ गांव को प्रमोट कर रहा हूँ या कोई अन्य चीज गांव में 2 बार काम का सीजन आता है एक ही वाला असोच
और एक आएगा गेहूं के समय में, ठीक है। तो उस वक्त लगभग लगभग 1.5 से 2, 2.5, 3 महीने मानो, बहुत ज़्यादा जो काम का सीज़न होता है तब, उस समय आप बताते हैं। उसके अलावा ये चीज़ में फ़ायदा क्या करते हैं ना, आप रोगों से दूर रहते हैं, आपकी वर्जिश हो जाती है जो हम इवनिंग के अलावा पूरे साल भर में 15 से 20 त्यौहार हो जाते हैं जो कि हमारी आपसी एकता का परिचायक है। तो अगर आप गांव से नहीं है, कहीं मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, एक बार आपने किसी न किसी पहाड़ी मित्र के घर जाके वहाँ की शादी, वहाँ के फेस्टिवल ज़रूर देखने चाहिए। बाकी जिसको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा तो मेरे ब्याह में आ जाए, मैं तो अपन इन्विटेशन दूँ। चाची हमारी रेस्टोरेंट को काम करो ना, फिर क्या मोबाइल उठ जा चाचा, चाची जाओ खत जा रही हूँ भेजला मोबाइल में लग रहा। ये है हमारे गांव का सचिव की पीपल का वृक्ष, जिस ओर मैं जा रहा हूँ नागेश्वर स्वामी के मंदिर में, वहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। ये है चौड़ागल स्वामी और इस ओर है पंचमुखी बालाजी का मंदिर, और यहाँ से शॉर्टकट टूटा थलका। मैं तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ यार कि मैं बलतीर गाँव में पैदा हुआ हूँ। लोक कला और संस्कृति, हंसी मजाक अलग चीज़ है, वो ब्लॉग को रोमांचक बनाने के लिए मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मेन विजन रहता है कल्चर, ठीक है, जो हमने अपने बुजुर्गों से प्राप्त किया हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकें। जैसे जियोग्राफी की टर्म है भावी विकास की संकल्पना, उसी प्रकार कल्चर को भी हमने आगे लेके जाना चाहिए। बाकी यार ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने से भी क्या होता है ना, ब्लॉग बहुत बोर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान डेली के लिए बचा ही रहूँगा। ये तो उन्होंने ऐतिहासिक और भव्य आयोजन करा दिया यार, इतने बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं जो कि बलतीर गांव में ही। देखिए आप, ओ भाई साहब ये बहुत ही ग्रेट मैसेज है, बलतीर गांव में इतने ज़्यादा बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में। बधाइयाँ आपको बहुत बहुत, बहुत ही बढ़िया इवेंट करा दिया आप लोगों ने, आपको भी हार्दिक बधाइयाँ। बिल्कुल ये तो झलकी है कदम से रैली में, ये बड़ा फील यार, बचपन वाला फील आ रहा है रैली। चल सीधे चले यहाँ से, जो हमारा अपना मूल फील्ड था वो तो जला गमने यार, पेड़ पौधे लगा के गपचा दिया, और ना अभी वहाँ पेड़ हो रहे ना पौधे हो रहे, ये फील्ड से वो ले चोर दे था मिली। तो जला गम के जितने भी लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कृपया करके इसका जवाब दें, और पूरी रेलिंग टेढ़ी कर दिया, को उजाड़ू नाली दू थपड़ गया ही नहीं सालन जोड़ल बैच बहन ने। और जो रोड ब्लॉग हो रही ना थल पिथौरागढ़ मार्ग, इससे जस्ट नीचे हमारे गांव की बाउंड्री के बाद, तो हम जा रहे हैं बिल्कुल जंगल वाले रास्ते से, जो मेरा पुराना फील्ड था ना थलागढ़ यार, वहाँ से वास्तव में बहुत ज़्यादा खेल प्रतिभाएं निकल के उभरी। जगमोहन बैसोड़ा जैसा एक क्रिकेटर हमारे गांव के चचा, काफ़ी बढ़िया वर्तमान में वहाँ पर फील्ड नहीं, तो खेल प्रतिभा भी नहीं कर ली है। सलपट्टा इज्जत न करें यार मेरी, यो हाँ हाय चुना ट्योड़ी भिला ट्योड़ी लाइन साहब है, चुना तो दोस्त को हर्षित देते रखो ना, चुना तो हर्षित लगाता ही है सबको, आज और लगा ले मन करना बच्चे हैं खेलना है ना, ये गप साहब है की बैर जीत तस्के तो। अच्छा वही सानी भैया, चलो आप हूँ चले साला, अरे क्या बात है, मैं 1 बजे तक देख रही, बाकी लोग सो जाते हैं, ये उजाड़ बच्चे यो वो ही ना देखा, जाओ उल्ला जाओ इल्ला खींचो जाओ, अरे अम्मा क्या आओ फोटो खींचो, नवराज की शादी हो जाए बोलो। दोस्तों यही कुछ कारण है जिस वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, उजाड़ बच्ची बाबरे। थैंक यू यार, देखो यार दोस्तों यार देखो, वैसे मैं मतलब देखो मैं वैसे बहुत सारे मंचों को शेयर कर चुका हूँ, सम्मान ले चुका हूँ, बट अपने गांव पे ना किसान बैठा हूँ अभी मैं, तो मुझे एक बढ़िया ब्लेसिंग वाला फील आ रहा है कि अम्मा भी अतिथि हैं और सम्मान जितने हमारे गांव के लोगों के अतिथि हैं, तो फर्स्ट टाइम अपने गांव पे यार, हमारे गांव पे संकुल स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो उस पे मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला यार कि मैं इस काबिल बनाऊं कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। काटिलो काटिलो जी उछल दिया, चलो भारत माता की जय, लड़कों का वहाँ पे यहाँ पे लड़कियों के आनी खेलेगा तू। पापा का नाम बताओ, दीपू। मम्मी का नाम पापा का नाम दीपू, मम्मी का नाम मम्मी का नाम तो पापा ही पापा का नाम मम्मी, मम्मी का नाम पापा
ये हमारी सुशील दा की लड़की है यार। पापा का नाम दीपू है। अच्छा मम्मी का नाम बता दो, चलो टॉफी दूंगा। मम्मी का नाम देबुली। देबुली? पापा का नाम दीपू, मम्मी का नाम देबुली। आप लोग कहाँ गए? मालगू। मालगू जलेत थलागढ़, ये सब बलतीर में ही आता। हमारा गांव काफी बड़ा है ना। गांव गए आप? आपका ओखल गांव। किस मैंने बच्चों का ड्रीम पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है क्लास? नाम क्या है? छोड़ी ना, एक चीज बढ़िया है जिसके नॉर्मली पूछ हमने की ना, जिसके कैमरा में नाम क्या है? साक्षी। क्लास फोर्थ। लोडन वाला कितने बढ़ जाए चार। नाम क्या है? नवराज। तो इनका ड्रीम पूछे क्या बनना आपने बड़े हो गए? आपने बड़े याद करें मेरी गुड। सभी खिलाड़ी आप पे ना, ये हार जाएगा। देखो हेड बोला इन्होंने, ये हमते हैं मेल की कोई और जा जा लो हरान ले। डॉक्टर कहां गई हमारी डॉक्टर? डॉक्टर शाबाश नंचनान। डॉक्टर डॉक्टर बाद में जाए बचा गायब नहीं तो ड्रीम। अभी सिंगर से गाना सुनवाते हैं। दो हमारे पास दो सिंगर आए, गाना सुनाएंगे हमें। अल्लाह तोल की को मैंने सिंगर बनना है। पहले वो सुनाएंगे, अभी मैं सुनो रे गाना। कोई भी सुना दो कैमरा, आ जाओ गलो सुना दो। चलो वाह यार, मैं गैलजन कर रहा था, हम लोग कह रहे हो अब मत गा मत गा, लोगों की डिमांड है। मैंने क्या बात है, ली छाया ले छाया ले छाया ले आयो हो सीता की माया ले माया ले माया ले ते दुनिया दे पूछी लिए मैदर दुनिया दे पूछी लिए मैदर बिन माया को कोई न हो न जोड़ीदार। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार, इस गाने को आपने बहुत पहचान दिलाई। हालांकि अब लोग गाली करने लग गए, बोर हो गए, अब मैं की करूं यार। एक को गाना तो यार गांव में लोगों कैसे पुकारते दिखाता, पहले नॉर्मली पुकारूंगा। भैया नहीं फुड़ा ना भैया, ओए इतको हो, ये गांव के नियम है। दांत लगा लो, मतलब दांत मतलब कि आप किसी को आवाज देते ना, इसको दांत बोलते हैं। एक आएगा तो ताड़ी का आएगा, बल इस बार ताड़ी का बनाए इसको। मल्लिकार्जुन का हर्षित देखो बच्चों के और आगे कितना खुश हो रहा है। ये दीपक हर्षिता का लड़का, अरे दोनों लड़के एक साथ जा रहे हैं क्या? चल 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 पापा देखे तेरे, जल्दी कर शिप वॉइस। बाप रे रिबर्ड है क्या? रिबर्ड रिबर्ड। चलो चलो नाम डुबा के रख दिया साला। और रमदा का नाती ये अच्छा अच्छा रिव्यू कैसा लग रहा, कौन जीतेगी? कौन जीता यहाँ वाला वहाँ वाले? यहाँ वाले कौन जीतेंगे? उधर वाले कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? ये पत्ता ना ये यहाँ के ऐसे पकड़, इस बाएं हाथ से ये पकड़, बाएं हाथ से पकड़, इधर को पकड़, बस अब यहाँ से बना 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 दे चाचू। हेलो गाइस वेलकम टू व्लॉग। तो गाइस हमारे यहाँ आज रैली, हमारे बच्चे गाइस ये देखो गाइस जो बच्चे हमारे एकदम है बच्चे ये। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी यहाँ, ये हमारी टीम की प्रैक्टिस हो रही गाइस, प्रैक्टिस हो रही गाइस हमारे। ये सारे तो मशीन हुए लिए था, वैसे गरीब चल रहा हूँ यहाँ। ये कदो कमजोर है शिव साहु भाई, हो मेरे से हेरो लाइव वो इज हिल लेना बाम रे। बाजार जा रहे हो ना? कहाँ जा रहे हो बाजार? अरे वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर आए हैं। तो यार दोस्तों हम चुके अपने स्वागत है, तेरे की खुशी लग रही है वीडियो बनो के बनो नाम के साथ। गुड आफ्टरनून यार दोस्तों, आज हम धुरपातल वाले देश में आए हैं, धुरपातल यू नो। तो आज हमारे मामा जी के लड़के नवदा खुश खुश पार्टी है वेल है, वो तो मैंने कार देख दी इनकी। अरे तू बढ़िया का बलना रे यार, भांजे कहाँ था तो दिखा नहीं बल। बाकी हमारे जो ग्राम प्रधान है साता चंदू बसेड़ा जी, उनकी डिमांड है कि आधो गड़ो गा दे, तो मेरे को यूट्यूब में कोई गाली नहीं करेगा। मैं खुद से नहीं गा रहा हूँ, मैंने परसों गा था कि लास्ट बार गा रहा हूँ, लेकिन इनकी डिमांड है मैं गाऊँ तो इन। और ये जो हमारे दाजू हैं, ये हमारे रिस्पेक्टेड कन्याल जी हैं और आर्मी रिटायर्ड, तो इनका एक भतीजा है जिसकी शादी में मैं गया था भनड़ा से आपका नाचनी क्षेत्र में।
वो शादी मेरे लाइफ चेंजिंग शादी थी मेरे, क्योंकि मैं 33,000 से सीधे 80,000 पहुंचा। ओके 1 2 3 4 अरे आधो गड़ो बाजो रे गयो हो पीपली छाया ले अरे लंका है रावण आयो हो सीता की माया ले ते दुनिया दे पूछी लिए माई दर बिन माया को कोई न हूं न जोड़ीदार बिन माया को कोई न हूं न जोड़ीदार अरे बाटे में काफल दानी काफल टीपी खुलो जन सुख पहाड़ो पानी फिर पहाड़ ऊलो जालिमा बाटे में हर देवी नोलो जालिमा पढ़ के ले ओले हो जालिमा सीधी शादी मेरी सुआ जालिमा आज कहले बोले हो। दोस्तों मेरा हमेशा का यार अभगो मंगल लो कौती कहनी भी मणि ये यार मतलब मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है यार, इतनी बढ़िया किस्मत है ना मेरी, क्या बताऊँ। तो आज संडे था तो हमने कहा यार कुछ काम था तो घूम लेते हैं। और इसमें पहली बार आ रही हूँ ना रायनगर, तुमने अभी नहीं बोला पहली बार आ रही हूँ। कौन सी जगह इससे आगे क्या आता है नारायणगढ़ की आपकी थोड़ा गड़ा इसकी दस बात क्या आता है हाँ फिर दोस्तों डीडी आर्ट आए थे तो अपने जूनियर को कैसे बोल सकते हैं इल्ला बहरे दुकान में बैठे यार खाब खुल बहने बैठे मन जाओगा हाँ जा चाह रहे थे तब बटे कहाँ देखी थी कहाँ देखे थे आप क्यों नहीं फिर मिलने आए वो कुछ नहीं क्यों भाई की हालत कैसी है पता है बहन इन्हें दिनों टाइम आ रहे हैं तो यार इमलता से मिलने आए थे चाय तो अभी नहीं पी रहे यार टाइम नहीं है ना रश्मि चाय पियोगे शर्म से नहीं बैठा मन न वो तो दे रहेगा पूछे यार चाह भी था इसके ठड़ी रही तो यार मेरी डेली सब्सक्राइबर भी यार बहन हमारी लवी जी गए ये लवी कफलिया जी की धर्मपत्नी है पैसा बहुत आ रहा है मतलब अभी ब्लॉग में नहीं बता सकता ना मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद रश्मि पार्टी करा रही आज चलो मंगाओ मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो रश्मि आज अपनी बहनों से मिल रही है तो उस हाँ क्या है फिर क्या लगेंगी तुम्हारी यार डीडी आर्ट पे कर रहे पार्टी तो खा लेते फिर मिलते हैं ये देखो सबसे क्यूट सी बच्ची ना शिकान उम्र लेकिन शर्माओ मत जैसे घर में खाते हो उसे खाओ किसी को नहीं दिखाना मैं इस स्टाइल का जी मैंने अरे आराम से खाओ जी घर में कैसे खाते मैं इतनी तमीज से खाते इसको यस के फनिया उससे खाओ स्टाइल जा मैं टिश्यू पकड़ वेस्ट कर दूंगा यस एंड यस यस ए भाई साहब हाय ना ए यहां जा चलो हटा दिया लुक इसकी है ऐसे ही